तो गाइस शिवरात्रि का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले गाइस आपको अपने VN एप्लीकेशन पे चले आना है। अब जिस VN एप्लीकेशन पे आप आओगे, देख सकते हो यहाँ पे नीचे की साइड गाइस यहाँ पे प्लस के आइकन, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, आपको न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका वीडियो खुल के आ जाएगा। तो गाइस मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना सबसे पहले वीडियो को। उसके बाद गाइस आपको यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना। आप जैसे सेलेक्ट करोगे वीडियो, उसके बाद ऊपर की साइड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे फोटो का ऑप्शन, देन आपको फोटो पे क्लिक करना है। अब जैसे फोटो पे क्लिक करोगे आपका फोटो खुल के आ जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले गाइस आप फोटो को अपना सेलेक्ट कर लेना। गाइस आप जितना फोटो को चाहो सेलेक्ट करना, आप उतना फोटो सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस मैं गाइस यहाँ पे 6 फोटो को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब गाइस जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देख सकते हो जो मेरा नॉर्मल वीडियो कैसे भी कुछ इस टाइप से, जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे डेट आ रहा है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है। गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ नॉर्मल मेरा फोटो वाली वीडियो कुछ इस टाइप से। अब गाइस इस पर क्या करना है आपको, अब गाइस सबसे पहले आपको गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे जो म्यूज़िक का ऑप्शन, देन आपको म्यूज़िक पे आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से म्यूज़िक पे आपको चले जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे माय म्यूज़िक पे चले आना है। उसके बाद ऊपर के साइड देखते हो म्यूज़िक लिस्ट, आपको यहाँ पे म्यूज़िक लिस्ट पे चल जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ से गाइस मैं आपको म्यूज़िक का भी गाइस यहाँ पे आपको दे दूंगा। गाइस यहाँ पे म्यूज़िक का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे इसको करना पड़ेगा यहाँ से सेलेक्ट। तो गाइस मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यूज़, अब यूज़ पे क्लिक किया। उसके बाद गाइस यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, टिक कर देता हूँ। अब टिक करने के बाद गाइस मैं या तो म्यूज़िक को थोड़ा कम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखते हो जो मेरा म्यूज़िक है गाइस आ चुका है कुछ इस टाइप से यहाँ पे। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट को लगाना है। इफेक्ट को सबसे पहले क्या लगाना है, यहाँ पे आपको फोटो पे चले जाना है। आपको गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जूम, आपको जूम वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे जूम आउट, तो आपको जूम आउट पे एक बार लगा देना है। उसके बाद सेकेंड फोटो पे गाइस यहाँ पे जाके आपको जूमिंग में लगा देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे तीसरे फोटो पे गाइस आपको अलग अलग गाइस आपको लगा देना। देख सकते हो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, हर चीज़ में गाइस मैं अलग अलग लगा रहा हूँ। तो गाइस आपको हर चीज़ में आपको अलग अलग लगा देना। देख सकते हो आपकी मैं इस पर ऐसे लगा देता हूँ। उसके बाद गाइस ये जो वाटर मार्क है गाइस आपको सबसे पहले इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गाइस और एक चीज़ आपको ऐड करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए टैप टू गाइस यहाँ पे ऐड स्टिकर का ऑप्शन है, आपको इस पर चले जाना है। वीडियो एंड फोटो पे चले जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे वीडियो पे चले आना है। उसके बाद मैं गाइस यहाँ पे वीडियो का गाइस एक दे दूंगा गाइस लिंक, उसको भी डाउनलोड करके गाइस आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। मैं सेलेक्ट किया, देख सकते हो यहाँ पे गाइस कुछ इस टाइप से। अब क्या करूँगा गाइस, इसको मैं थोड़ा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिट का ऑप्शन, देन मैं फिट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर से थोड़ा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ब्लेंडिंग, देन यहाँ पे ब्लेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे गाइस मैं स्किन कर देता हूँ। स्किन कर दिया, उसके बाद गाइस मैं ऐसे इसको टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्किन है गाइस किस टाइप से यहाँ पे गाइस आ चुका है। गाइस यहाँ पे जो फायर वाली है गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड में कितना अमेजिंग टाइप से लग रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको ये जो दिख रहा है गाइस आपको यहाँ पे प्लस के आइकन, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट करना है। ये जो आपको लाइट वाला इफेक्ट दिख रहा है आपको लाइट पर क्लिक करना है। अब गाइस सब में आपको लाइट वाला करना है, सबके प्लस के आइकन पर जाके गाइस आपको सेम सबको लाइट वाला अप्लाई कर देना। सारे गाइस यहाँ पे प्लस के आइकन पर जितने फोटो का गाइस यहाँ पे चेंजिंग होगा वहाँ पे गाइस आपको लाइट को ही लगाना है। देख सकते हो मैं पूरे के पूरे यहाँ पे इस पर पूरे लाइट का लगा देता हूँ, यहाँ पे लाइट को लगा दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये जो लाइट है गाइस यहाँ पे कम पड़ रहा है, इस पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे डुप्लीकेट पे चले जाता हूँ, ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद खींच के गाइस यहाँ पे पूरा मैं फुल कर देता हूँ, फुल कर दिया। उसके बाद गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा नॉर्मल वीडियो गाइस अभी कुछ इस टाइप से भी दिखाते हैं, तो मैं आपको भी कैसा है अभी ये, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। अगर गाइस आपको और भी इफेक्ट के बारे में बताते हो, अगर आपको भी कोई इफेक्ट लगाना हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा गाइस कितना अमेजिंग टाइप से यहाँ पे बन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे म्यूज़िक को, थोड़ा यहाँ पे सुना देता हूँ, मैं थोड़ा आपको म्यूज़िक दिखा देता हूँ, आपको सुना के देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वीडियो कैसा बना। अब गाइस अगर चाहो इस पर गाइस फोटो पे जाके यहाँ पे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आके गाइस आप अपने अनुसार गाइस अपने वीडियो के अनुसार गाइस यहाँ पे आप इफेक्ट लगा सकते हो। आपको जो भी इफेक्ट लगाना हो गाइस, तो आप वो इफेक्ट को आप लगा सकते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस मैं कोई भी इफेक्ट नहीं लगाऊंगा, आप नॉर्मल में आपको दिखाने के लिए बता दे रहा होता। अब गाइस आपको क्या करना है, अगर इसको डाउनलोड करना है तो आपको गाइस यहाँ पे चले जाना एरो पे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे अगर चाहो तो एडजस्टमेंट करना, चाहो क्वालिटी का एडजस्टमेंट करना, वरना गाइस यहाँ से आपको इंपोर्ट कर देना है। आप जैसे इंपोर्ट करोगे गाइस आपका वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो